हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं नीलम और आप सभी का नीलम जायका में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे बहुत ही यूनिक और हेल्दी रेसिपी, पपीते का हलवा, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी होता है और पपीता हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई नई रेसिपी की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए इस यूनिक और हेल्दी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। पपीते का हलवा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ली है करीब 750 ग्राम का कच्चा पपीता। आप इससे ज़्यादा का भी एक साथ बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम पपीते में जो भी छिलके हैं उसे निकाल लेते हैं। तो इस तरह से हम छिलके को हटा लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने छिलके को हटा लिया है, तो इसे हम बीच से कट कर लेंगे और इसे हम अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे ताकि जो भी इसमें गंदगी है वो अच्छी तरह से साफ हो जाए। तो यहाँ पर मैंने इसे वॉश कर लिया है। तो यहाँ पर हम एक ग्रेटर लेंगे और ग्रेटर की मदद से हम इसे ग्रेट कर लेंगे। जिस तरह से हम गाजर या फिर नारियल को ग्रेट करते हैं, ठीक उसी तरह से हम पपीते को भी ग्रेट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने इसे ग्रेट कर लिया है। तो आप भी पपीते को पहले छिलके निकाल करके वॉश करके और फिर इस तरह से ग्रेट कर लें। यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप दूध और 1 टीस्पून लिया है इलायची पाउडर और काजू बादाम को थोड़े से मैंने काट लिया है। 1/4 कप चीनी लेंगे और किशमिश लिया है हमने, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अपने पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। और 250 ग्राम हमने खोया लिया है, जिसे मावा भी बोलते हैं। और खोया को मैंने घर पे ही बनाया है, चाहे तो आप मार्केट से खरीद सकते हैं। यहाँ पर हमने एक पैन लिया है और पैन को गर्म होने देंगे। पैन गर्म हो गया है तो हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच देसी घी। और घी भी यहाँ पर गर्म हो गया है तो जो हमने पपीते को ग्रेट करके रखा था उसे ऐड कर लेते हैं और हम इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं। तो इसी तरह हम चलाते रहेंगे और गैस का फ्लेम मीडियम रखें और इसे हम करीब 2 मिनट तक भून लेंगे। इसे फ्राई करते हुए 2 मिनट हो गया है तो जो हमने 1 कप दूध लिया था उसे ऐड कर लेते हैं। साथ साथ में चीनी को भी ऐड कर लेते हैं। तो 1/4 कप हमने चीनी लिया है, तो आप अपने टेस्ट के अनुसार चीनी को ऐड करें। और 1 छोटी चम्मच हमने डाला है इलायची पाउडर, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और साथ में किशमिश को भी ऐड कर लेंगे और इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और गैस का फ्लेम है जो अभी हाई रखेंगे ताकि जो भी हमने दूध और पपीते में जो पानी होता है वो जल्दी से सूख जाए। तो अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। तो इसे हम कवर कर देते हैं क्योंकि पपीते को हमें पकाना भी है। तो इसे हम 8 से 10 मिनट तक कुक करेंगे ताकि पपीते थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। और गैस का जो फ्लेम है उसे हम मीडियम रखेंगे और इसे 8 से 10 मिनट तक पकने देंगे और बीच बीच में हम ढक्कन हटाकर इसे चलाते रहेंगे। फ्रेंड्स, वैसे तो सभी को पता है कि पपीता हमारे सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। पपीते को तो हम कई तरह से खाते हैं, जैसे सब्जी बनाकर, भुजिया बनाकर या फिर पका हुआ पपीता भी खाते हैं और जो बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 1 पिंच ऑरेंज फूड कलर ताकि हलवे में एक अच्छा सा कलर आ जाए। कलर को ऐड करना यहाँ बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसे नहीं भी ऐड कर सकते हैं क्योंकि टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, गाजर का हलवा तो हम सीजन में बनाते ही हैं लेकिन गाजर हमेशा नहीं मिलता है, तो मैंने सोचा क्यों ना गाजर की तरह पपीते का भी हलवा बनाया जाए। सो फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी बनता है, तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। और फिर से हम इसे कवर कर देते हैं और गैस का फ्लेम मीडियम ही रखेंगे और इसे बीच बीच में हम चलाते रहेंगे। इसे पकाते हुए मुझे 8 मिनट हो गया है, तो आप देख सकते हैं कलर भी चेंज हो गया है और जो पपीता है वो थोड़े सॉफ्ट भी हो गए हैं। तो यहाँ पर हम खोया को भी ऐड कर लेते हैं। खोया डालने से जो हलवे का टेस्ट है वो और भी दुगना हो जाएगा, तो आप इसे स्किप बिल्कुल न करें। घर पर खोया बनाना बहुत ही आसान है, तो आप भी घर पर खोया बना सकते हैं क्योंकि घर के खोए की बात ही कुछ और होती है। इससे हलवा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। और यहाँ पर हम ड्राई फ्रूट्स को भी डाल देते हैं। तो ड्राई फ्रूट्स में मैंने लिया है बादाम और काजू, आप अपने पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। और इसे भी हम अच्छी तरह से मिला लेते हैं। यहाँ पर जो गैस का फ्लेम है उसे हम मीडियम रखेंगे, हाई फ्लेम पर बिल्कुल ना करें, नहीं तो हलवा नीचे से जलने लगेंगे और खाने और देखने में अच्छा नहीं लगेगा।
तो ऐसे ही हम मीडियम फ्लेम पर इसे हम तब तक चलाते रहेंगे जब तक कि हलवा अच्छे से ड्राई ना हो जाए। जैसे कि हम गाजर का हलवा बनाते हैं, फ्रेंड्स आप इस हलवे को खाएंगे तो आपको बिल्कुल यकीन नहीं होगा कि ये पपीते से बना हलवा है, क्योंकि हमने इतने सारे इंग्रेडिएंट्स डाले हैं कि पपीते का कोई भी टेस्ट ही नहीं है इसमें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हलवा बहुत ही अच्छे से ड्राई हो गया है, तो गैस का फ्लेम बंद कर लेते हैं और हलवा बिल्कुल रेडी हो गया है। तो चलिए अब देर क्यों करना, फटाफट से सर्व करते हैं, क्योंकि हलवा को गर्म खाएं या ठंडा जैसे भी खाएं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। और थोड़े से हमने ड्राई फ्रूट्स को बचा लिया था तो ऊपर से हम गार्निश कर लेंगे। तो हलवा बिल्कुल रेडी है और बहुत ही टेस्टी बना है और इसे हमने पपीते से बनाया है। तो फ्रेंड्स अगर आज की पपीते का हलवा की रेसिपी आपको अच्छी लगी तो एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक यूनिक और हेल्दी रेसिपी के साथ। कीप वॉचिंग नीलम जायका।